नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। लक्ष्मी के रूप में होती है जिनकी पूजा, जिनमें समाई है त्रिदेव की शक्तियां और जो देती हैं विजय श्री का वरदान, वो बांसवाड़ा की मां त्रिपुर सुंदरी हैं। रतलाम से 65 किलोमीटर दूर बने इस भव्य और बेहद सुंदर मंदिर में मौजूद मां त्रिपुर सुंदरी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। माँ जिसका दुलार खींच लाता है 7 समंदर पार से, जिसकी गोद के लिए व्याकुल रहता है हर कोई, माँ जिसके आंचल की शीतल छांव के आगे तपता सूरज भी घुटने टेक देता है, माँ जिसके द्वार पर होती है हर मनोकामना पूरी। पश्चिम रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई जाते हुए आता है मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर रतलाम। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये दिव्य स्थान। जग जननी माँ त्रिपुरा सुंदरी जो विराजी हैं राजस्थान के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस मनोरम मंदिर। मंदिर के आसपास विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें बताया गया है कि सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का यह मंदिर है। यह आसपास गढ़पोली नाम का एक महानगर था, जिसके तीनों तरफ शिवपुरी, सीतापुरी और विष्णुपुरी नाम का एक दुर्ग था। इन तीनों दुर्गों के बीच मंदिर बसा था, इसे त्रिपुरा सुंदरी कहा गया। त्रिपुरा सुंदरी का ये सुंदर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार पांचाल समाज के 14 चौखरों ने करवाया था, और यहीं महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं मां त्रिपुरा सुंदरी। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनमें एकाकार हो जाते हैं माता के समस्त रूप, और जो कहलाती हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप। सिंह वाहिनी माँ त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाएं हैं, और हर भुजा में वो धारण किए हैं अस्त्र शस्त्र। माँ के चारों ओर नवग्रह नव दुर्गा के रूप विद्यमान है। और चरणों में है सिद्धयुक्त श्री यंत्र। शक्तिपीठ होने के कारण मां त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। वो माता जो यहां आए अपने किसी भी भक्त की झोली खाली नहीं लौटाती। भगवती त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूप में प्रकट होकर के, और दश अवतार जो दश महाविद्या है उसमें बाला भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली यह भगवती है, जिसके समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है। माँ के इस रूप के बारे में त्रिपुरा रहस्य महात्म्य खंड और आपर्णों त्रिपुरोपनिषद में विशेष वर्णन मिलता है।
रियासतों के दौर में माता त्रिपुरा की महिमा इतनी फैली कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजा माँ त्रिपुरा की पूजा आराधना किए बिना किसी भी शुभ कार्य को आरंभ ही नहीं करते थे। माँ के इस धाम में दिन में माँ के तीन रूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं इस धाम में आकर अगर दरबार में होने वाली आरती के दर्शन हो जाएं, तो माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों की कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं करती है। जो अपनी आराधना का, अपने पूजन अर्चन का फल देने में देर नहीं करती, इसीलिए माँ के भक्त हर समय यहाँ अपनी झोली फैलाए नतमस्तक खड़े रहते हैं। माँ की इस शक्तिपीठ में तीन पहर माँ के तीन रूपों की आराधना होती है। प्रातःकाल में कुमारिका, मध्यान्ह में यौवन रूप सुंदरी और सायंकाल में माँ के प्रौढ़ रूप का दर्शन पूजन होता है। भगवती की प्रातः काल से हमारा पूजा विधान प्रारंभ हो जाता है। प्रातः मंगला कार्यक्रम से हमारा शुभारंभ होता है। प्रातः 4 बजे माँ का अभिषेक होता है षोडशोपचार विधान के साथ में। यहाँ पर शंकराचार्य पद्धति के आधार पर श्री यंत्र की संपूर्ण साधना होती है। प्रतिदिन यहाँ पर आवरण देवता सहित पूजा विधान के साथ में ही ललिता शास्त्र का पाठ होता है। यहाँ पर खड़ग मालाएँ होती हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा सप्तशती पाठ प्रतिदिन होता है। उसके साथ होमांग विधि से संपूर्ण कार्य होता है और अष्टमी, नवमी और उसके साथ में ही पूर्णिमा के दिन सपात्रा साधन सहित राजोपचार विधान के साथ में संपूर्ण विधान किया जाता है। पीले फूलों, लाल चुनरी और लाल चूड़ियों से सजी माँ, जिनकी आभा से आलोकित है इस दिव्य स्थली का कोना कोना। गृहस्थाश्रम में रहने वाले माँ त्रिपुरा सुंदरी के सगुण रूप को पूजते हैं तो साधु संत वैरागी माँ के निर्गुण भाव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सिद्ध क्रियाओं के द्वारा शत्रु हो या मित्र, किसी को भी वश में किया जा सकता है। माँ की ये इकलौती शक्तिपीठ है जहाँ हर दिन गुप्त साधना होती है और श्री शंकराचार्य पद्धति से श्री यंत्र की सिद्धि साधना भी यहाँ रोज होती है। कहीं संतों ने यहाँ पर सिद्ध साधनाएं की हैं और साथ ही भगवती का यह प्राकट्य स्वरूप के अंतर्गत में विद्यमान इस इतिहास के बारे में हम सोचते हैं तो कनिष्क काल से लेकर के यह चलता हुआ आ रहा है और साथ ही इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है वह हमारे यहाँ के संपूर्ण पंचाल समाज सदस्य 14 चोखरा के सानिध्य के अंदर ट्रस्ट के माध्यम से इसके संपूर्ण विकास विधिवत हुआ है और तब से ही इसकी आराधना पूजा चलती आ रही है। माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिनकी पूजा आराधना से समाप्त होते हैं जीवन के सारे विकार और मिलती है हर दुख हर कष्ट से मुक्ति। कहते हैं कि माँ की इस दिव्य स्थली में जो भी आता है, सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना माँ जरूर पूरा करती हैं। मगर ये भी सच है कि यहाँ तक सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें स्वयं भगवती यहाँ आने का आदेश देती है। पर सवार अष्टभुजाधारी मां नंदिनी बांसवाड़ा के बड़ोदिया कस्बे के अरावली पर्वत श्रृंखला पर विराजमान देवी नंदिनी श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। कहते हैं ये मां का वही रूप है जो उन्होंने द्वापर युग में मां यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई और जिसे कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने का यत्न किया था।
अपनी ऊंचाई पर इठलाती है अरावली की ये पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंचे गगन का स्पर्श करती हैं अरावली पर्वत की भुजाएं, पहाड़ों के शिखर सुनाते हैं अपनी शक्ति का गान, ऊंचा भी सांचा भी। पहाड़ों के शिखर पर बसा है माता का दरबार, कठिन है देवी तक पहुंचने का रास्ता, लेकिन इस राह पर चलकर मिलता है असीम सुख। सीढ़ियों की लंबी चढ़ाई पर थमते नहीं हैं चलने वालों के कदम और ना ही थकते हैं श्रद्धालुओं के पांव। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई मार्ग पर स्थित बड़ोदिया कस्बे में अरावली पर्वत श्रृंखला की एक विशाल पर्वत शिखा पर बसा है माता नंदिनी का पवित्र धाम, जिन्हें यहाँ के स्थानीय भाषा में श्रद्धालु नंदौर माता व नंदर माता के नाम से भी पुकारते हैं। घुमावदार रास्ते, चारों ओर फैली चट्टानों की सियासत के बीच विशाल पहाड़ी पर स्थित मां नंदिनी के दर्शन करने और इतनी ऊंचाई से पूरे जिले को देखने का अनुभव करने दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। खासकर माता के दरबार में रविवार की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ श्रद्धालु तो ऐसे जो पिछले कई सालों से मां नंदिनी के इस धाम से जुड़े हैं, मां पर उनकी गहरी आस्था है। मां नंदिनी माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये लगभग मेरी जानकारी से 100-150 साल पुराना है। पहले यहाँ छपरा था, ये जो मंदिर दिख रहा है अभी पक्का, वहाँ छपरा था। और इसके बाद जो है 1970 के बाद ये पक्का मंदिर हुआ और स्थापना विधिवत स्थापना हुई और पूरे जिले के लोग यहाँ जो है दर्शनार्थी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। मैं करीबन 1955 से नियमित आ रहा हूँ। पर्वत के शिखर पर मौजूद माता नंदिनी का मंदिर यूं तो देखने में छोटा है, लेकिन रोजाना कठिन सफर तय कर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के अंदर सफेद पत्थरों की तराशी हुई माँ नंदिनी की बेहद आकर्षक प्रतिमा मौजूद है। सिंह पर सवार अष्टभुजाधारी रूप में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है माता। हर रविवार को भी यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और वैसे भी लोग जो अपनी जो आस्था के अनुसार कोई मन्नत होती है तो उसके अनुसार यहाँ उपस्थित होते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, माता जी कृपा से उनकी जो मांग होती है वो भी पूरी होती है, पूरे विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। माँ नंदिनी के बारे में कहा जाता है कि ये देवी का वही रूप है जो द्वापर युग में माँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई और जिन्हें कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने का प्रयास किया था। कंस के हाथों से मुक्त होकर माँ आकाश मार्ग से इस पर्वत पर आकर स्थापित हुई। नंदा नामक माँ के इस रूप का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में वर्णित है। ये नंदिनी माता, उसको दो प्रकार से बुलाया जाता है, नंदिनी और नंदर माता। ये नंदिनी माता का नाम जो है नंद बाबा की पुत्री है। क्या ये जो कंस मामा था यशोदा का, जो कृष्ण जी होते थे, जब नंदिनी नंद बाबा के यहाँ पे प्रकट हुई, जब कंस को कहा कि मेरा नाम नंदिनी है, क्या तू मुझे क्या मारेगा, मानने वाला पीला हो गया, वो यहाँ पर आके समा गई। नंदिनी माता के मुख्य मंदिर के अलावा इस स्थान पर भैरव जी मंदिर और नंदेश्वर शिवालय भी स्थित है, जिनके प्रति भी श्रद्धालुओं में अगाध आस्था है। नंदेश्वर शिवालय में महादेव के साथ साथ माँ पार्वती की प्रतिमा विराजमान है, जिसे भक्त शिव शक्ति धाम के रूप में पूजते हैं। माँ नंदिनी के चमत्कार की कहानी यहाँ के कण कण में समाई हुई है। तभी तो मंदिर के पीछे मौजूद चट्टानों को पीटने पर किसी वाद्य यंत्र के जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होती है। रवि राठौर, बांसवाड़ा, आज तक। धर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।